दोस्तों, क्या आपका भी वीवो के फ़ोन और आप अपने ब्राउजर या फिर कहीं पर भी आप अपना ऐप लॉक लगाएं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इंटर योर प्राइवेसी पासवर्ड, तो यहाँ पर आपको अपना प्राइवेसी पासवर्ड डालना रहता है, जो कि पासवर्ड आप भूल जाते हैं, तो इसको आप कैसे, किस तरह से आप इसको फॉरगेट किया जाता है, किस तरह से आप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर पासवर्ड हमको पता नहीं है और मैं यहाँ पर पासवर्ड डालूंगा नहीं खुलेगा, तो इस तरह का आप कैसे सोल्यूशन किया जाता है, सो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप वीवो का यूज़र है, आप अगर वीवो का मोबाइल को यूज़ करते हैं, तो आप वो सिंपली देखिएगा इसमें इसका सोल्यूशन क्या है, सो मैं आपको बताऊँगा। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होने वाला है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और स्किप कहीं पर भी मत करना, ठीक है। तो चलिए सिंपली मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिएगा नहीं, उसके नीचे देखिए सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जैसे ही हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए प्राइवेसी एंड ऐप इमरजेंसी, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर आपको खोलने के लिए बोला जाता है, जो कि आपको पासवर्ड पता नहीं होता है, ठीक है। तो पासवर्ड नहीं पता होने कारण इस तरह का होता है, तो इसको आप कैसे फॉरगेट करते हैं, जैसे आप यहाँ पर आप फॉरगेट में क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए फॉरगेट में क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको आंसर मांगता है, जैसे कि आप जो फर्स्ट में आप आंसर दिए होंगे, जैसे कि आप जब आप इसको आप लॉक करते होंगे, तब वहाँ पर आपको ये मांगा जाता है कि आइडेंटिफाई के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर डालना रहता है, जो कि आप डालते हैं, तो अगर आप यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर मांग रहा है, जैसे देखिए आपको मांग रहा है व्हाट इज़ योर प्रीमियर स्कूल, तो जैसे कि मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना स्कूल का नाम डाल दिया। अब यहाँ पर मांग रहा है बेस्ट फ्रेंड, जैसे कि बेस्ट फ्रेंड का नाम डाल रहा है, मांग रहा है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, तो सिंपली से मैं यहाँ पर राकेश डालता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं जैसे ही वेरीफाई में क्लिक करता हूँ, आपके पास इस तरह का इंटरफेस आता है। अगर आपका इस तरह भी आपका सोल्यूशन नहीं होता है, जो कि आप डाल रहे होंगे, तो इस तरह अगर नहीं होता है, तो आपको सिंपली इसका सोल्यूशन क्या है, इसको मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सिंपली से आपको जाना है सेटिंग में, आपका सेटिंग में जाने के बाद गाइस यहाँ पर देखिए मोर सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। मोर सेटिंग का ऑप्शन को मिलने के बाद यहाँ पर देखिए आपको बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन मिल जाएगा। बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन में क्लिक करना है, यहाँ पर सिंपली से इरेज ऑल डाटा, तो इरेज ऑल डाटा में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस देखिए यहाँ पर क्लियर नाउ, यहाँ से आपको मोबाइल को रीसेट कर देना है, क्योंकि गाइस देखिए इसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसके अलावा आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, जो कि आप अपना मोबाइल को जो पासवर्ड होता है उसको आप फॉरगेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हो सकता है फ्यूचर में आ जाए कोई नया वीवो के द्वारा अपडेट किया जाए कि उसको आप भी फॉरगेट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक तो आया नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता सकता हूँ, और ज़्यादा इसका मेथड भी नहीं है, ठीक है। यहीं से आप कर सकते हैं, यहीं से आप क्लियर नाउ पर क्लिक करेंगे और मोबाइल को रीसेट मारना है, और सिंपली से अपना फिर से वो जो मतलब मोबाइल को रीसेट मारने के बाद आपको सही हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी ज़्यादा कुछ आपका मतलब जो आपका फ़ोन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होगा, तो आप चाहते हैं यहाँ से अगर आप रिकवर करने के लिए, तो यहाँ से आप बैकअप आपको जितना भी है सब उसको आप पहले उसको स्टोर कर ले एसडी कार्ड, या फिर कहीं जीमेल वगैरह में आपको उसको सेव कर लेना, उसके बाद आपको रीसेट मारना है मोबाइल, ठीक है। वैसे भी ज़्यादा कुछ डिलीट नहीं होता है, कुछ ही डिलीट होगा, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो यार लाइक का बटन लाइक को ठोको, और चैनल में नए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा। तब तक के लिए खुश रहो, सलामत रहो और अपना ख्याल रखो।